कांग्रेसी पार्षद अब्दुल मजीद कुरैशी सहित समाज के लोगों ने स्लॉटर हाउस को शहर के बाहर प्रस्तावित स्थान पर स्थानांतरित करवाने की मांग की है। अपनी उक्त मांग को लेकर समाज के लोगों ने गुरुवार को पार्षद कुरैशी के सानिध्य में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। दिए गए ज्ञापन में कहा गया कि वर्तमान में शहर के कसबान मोहल्ले में स्लॉटर हाउस का संचालन हो रहा है, जिससे आमजन को बहुत परेशानियां उठानी पड़ रही है। वर्तमान में स्लॉटर हाउस बनाने के लिए हरिराजपुरा में 6 बीघा और गड्डी थोरियान मसूदा रोड टैचिंग ग्राउंड में 2 बीघा जमीन आवंटित की हुई है। यहां पर स्लॉटर हाउस बनवाने के लिए कमिश्नर द्वारा आदेश पारित किए जा चुके हैं, लेकिन आज तक यह प्रकरण लंबित है। ज्ञापन में कहा गया कि पुराने 21 लाइसेंसों को रिन्यू करवाने के लिए भी विगत दिनों आयुक्त और सभापति को समस्त पार्षदों के हस्ताक्षर युक्त एक पत्र भी प्रेषित किया गया, लेकिन अब तक लाइसेंस रिन्यू नहीं किए गए, जिसके कारण उक्त व्यवसाय करने वालों को परेशानी उठानी पड़ रही है। ज्ञापन में तत्काल स्लॉटर हाउस बनवाने के लिए एक निश्चित स्थान पर कार्यवाही सुनिश्चित करवाएं और पुराने लाइसेंसों को रिन्यू करवाने की मांग उठाई गई। ज्ञापन देने वालों में पार्षद अब्दुल मजीद कुरैशी, जहूर कुरैशी, तौसिफ कुरैशी, शाकिर कुरैशी, सीलम कुरैशी और आबिद कुरैशी सहित कई अन्य शामिल रहे। स्लॉटरिंग की मांग रखी गई शहर से 13 साल हो गए चलते चलते, अब ब्यावर जिला बन चुका है, इसलिए इसको कहीं भी शिफ्ट किया जाए। दो दो जगह अलॉटमेंट हुई भी है, घरराजपुरे की एक गड्डी थोरान के अंदर, अभी गोदरा साहब के टाइम पे 2 बीघा जिमें अलॉटमेंट हुई, सारी फॉर्मेलिटी इनको दे दी गई है। हम खुद भी नहीं चाहते कि यहाँ कोई शांति व्यवस्था कोई ऐसी ख़राब हो, इससे पहले ये काम हो जाए ताकि सब शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, क्योंकि हम खुद परेशान हैं। हमारे घरों के अंदर गंदगी हो रही है, महल्ला पूरा शहर परेशान है इस चीज़ से। और इसके अंदर हाईकोर्ट से लेके राजस्थान सरकार का, उपखंड अधिकारी के, कलेक्टर के, संभाग आयुक्त के, दुनिया भर के ऑर्डर हुए हैं, उस साहब को दे दिए हैं। ऑर्डरों के साथ साथ उनसे हाथ जोड़ के निवेदन किया है कि आप यहाँ अच्छे एक इंसान नहीं, अच्छे अधिकारी भी हैं, इसको आप आपकी मौजूदगी में कहीं भी शिफ्ट करके जाएँ। ये उनसे बातचीत करी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपको कमिश्नर साहब से मीटिंग करके सबसे बुला के, आपको भी बुला के इस काम का समाधान करेंगे। धन्यवाद।